पैर की उंगलियों अगर ज्यादा भीगा रहेगा ना और उसका खुजली होने लगेगा उसको, और जितने खुजलाएंगे वहां का चमड़ा हटेगा धीरे 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 धीरे, खदड़ देगा वहां, और खदड़ के चमड़वा को, चमड़वा के नीचे बैठ जाता है। आप खजवाते रहिए ऊपर से और बैठा ले नीचे। चल जो बाबू 5 मिनट का तो तू मेहमान है। एथलीट फुट ये त्वचा से संबंधी बीमारी है। एथलीट फुट में क्या होता है, पैर की उंगलियों में एक्जिमा, में एक्जिमा कहीं भी ज्वाइंट पे हो सकता है। एथलीट फुट बेसिकली पैर पे ही होता है। तो पैर की उंगलियों अगर ज्यादा भीगा रहेगा ना तो वहां पे क्या हो जाएगा, कवक आ जाएगा। पानी में ना कवक घूमते रहते हैं सर, अगल में हो जाएगा यहाँ पे, और उसका खुजली होने लगेगा उसको, हल्का हल्का वाइट वाइट हो जाएगा और खुजली होने लगेगा, और जितने खुजलाएंगे वहां का चमड़ा हटेगा, कवक कहेगा बहुत अच्छा हमारे लिए और जगह बना रहा है। फिर खुजलाएंगे तो वहां का चमड़ा थोड़ा सा हटेगा, आपको मजा आएगा, कहेगा और जगह बना और जगह बना, धीरे 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 खदड़ देगा वहां पे, बहुत ज्यादा खुजली होने लगता है वहां पे। तो एक्जिमा एथलीट, एक्जिमा कहीं पे भी ज्वाइंट पे हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां पे हो सकता है। एथलीट फुट कहां होता है, पैर में। ये दोनों किससे संबंधित बीमारी है, कवक। समझ में आ गया कि ना, पानी में कवक रहते हैं सब, ज्यादा देर भीगे रहिएगा तो, भीगेगा तो आपके त्वचा से लाइसोजाइम हट जाएगा, अब त्वचा हो जाएगा नरम, अब वहां कवक को मिल जाएगा बैठने का जगह, धीरे धीरे बैठेगा, अपना अंडा बच्चा फैला देगा, पूरा छाप देगा, आपको पता चलेगा नहीं, धीरे 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 धीरे, और उसके बाद से चमड़ा को अच्छा से पकड़ लेगा, और खदड़ के चमड़वा को, चमड़वा के नीचे बैठ जाता है। आप खजवाते रहिए ऊपर से और बैठा ले नीचे। चल जो बाबू 5 मिनट का तो तू मेहमान है, खजवा के हटिएगा, उसके बाद फिर खदड़ना चालू करेंगे सब। समझ में कि नहीं, एथलीट फुट और एक्जिमा। आप देखिएगा ना, महिला लोग का पैरवा रंग दिया जाता है रेड कलर से, लाल रंग से रंग दिया जाता है, और ज्वाइंट ज्वाइंट में खूब अच्छा भर दिया जाता है, कवक पकड़ नहीं पाता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, हाँ, उसको हाथ पर रंग दीजिएगा ना तो कवक पकड़ेगा, तो चमड़ा की जगह क्या पकड़ा देगा, रंग, और रंग छूट जाता है कुछ दिन में तो कवक भी छूट जाएगा। कहेगा कि यार ये तो महिला समझदार निकली, अब महिला को लगता है सुंदरता के लिए। पहले जमाने का आदमी बहुत उजिया था, पहले बहु लोगों को बहुत काम करना पड़ता था, अब ना ये मिक्सर आ गया है, मसाला पीसने वाला, तो ये वाला वो वाला, ओके बादो फोटानी रखा है लोग का। औरत सब का एक तो इष्टा, हमसे काम नहीं होगा, हाँ तो तुम पढ़ाई लिखाई की नहीं हो तो नौकरी कर लो, घर का काम नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम निकाल लो, यूपीएससी निकाल लो, तो ना पढ़ने में ठीक, ना व्यवहार ठीक, ना कमे का अच्छा, ना हर जाएगी तो ग्रुप डी का काम कर देगी। एक से एक रहता है सब, बाप रे बाप, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर हमारे बैच की लड़की ऐसा नहीं करेगी, नहीं, इस सब चीज़ें कभी भी याद रखिए, किसी के दिल से बद्दुआ या दांत मत पिसवाइएगा, दांत पीसना नहीं होता। कोई कोई आदमी खराब रहता है ना, मने मन आदमी दांत पीस के रह जाता है, देहात में कहावत कहा जाता है, दांत का पीसा लग जाता है, कहावत कहा जाता है कि जाता का पीसा सब खा लेता है, दांत का पीसल क्यों ना खाता है, इसे कहावत कहा जाता है, उसको बड़ा खराब होता है ये सब चीजों को, ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तो वो बताइए, महिला को जो रंगवा दिया जाता है उसका साइंटिफिक रीजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब उसको दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन अमूमन बहू को ही कहा जाता है, सुंदरता के लिए भी है, लेकिन उससे एक साइंटिफिक रीजन भी है, लेकिन बेसिकली उसे रंगना होता है सुंदरता के लिए, ना कि कवक के लिए, उसका फायदा भी है, दोनों काम हो जाता है। ठीक है, तो एक हो गया एक्जिमा और एथलीट फुट।